आज तो अखीर ही होगी तकरीबन। मोहम्मद शामी ने जैसे बॉलिंग की है ना, सीरियसली उसने हमारा दिल जीत लिया। ऐसी बॉलिंग कभी नहीं देखी हमने। वन साइड की तो उम्मीद थी, लेकिन 300 का टारगेट होता है। अगर 300 का कोई टीम टारगेट दे दे तो कहते हैं कि यार बड़ा टारगेट देता है इस टीम ने। ये तो 300 से ऊपर मार्जिन से जीते हैं। 300 से प्लस 300 से ये मैच विन कर रही, कमाल कर दिया। देखें यार इंडिया वालों ने, असल में उनकी अप्रोच की बात है कि इंडिया जो है उनकी अप्रोच जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ऊपर से रोहित शर्मा जो है वो आके शॉट्स मारने की कोशिश करते हैं, स्कोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी अप्रोच थोड़ी सी नेगेटिव रहती है। इमाम आ जाते हैं या बाबर सही खेलते हैं लेकिन बाबर भी फंस जाते हैं। जब स्कोर भरे हों 350 अगर आपने करना है तो बाबर इसी में रह जाता है कि शॉट मारनी है या अपनी गेम करनी है। वैसे बहाने हमारे पास बहुत हैं कि इंडिया के अपने होम ग्राउंड हैं, इंडिया के अपने होम क्राउड है, वहाँ पर जो है वो दिल पाकिस्तान का तराना नहीं बजा था, वहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग नहीं किसी को अंदर लेके जाइए। बहाने हमें गोश्त नहीं खाने को दिया, ये बहाने हमारे पास बहुत सारे हैं मैच हारने के बाद। ये सर ये तो प्योर बहाने हैं ना सर, प्योर बहाने हैं। 22 के स्कोर पे 7 आउट करना कोई छोटी सी बात तो नहीं है। मैं तो हैरान रह गया था, मैं थोड़ा सा वक्फा दिया। मैंने जब देखा दोबारा, आंखें ऐसे मली, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या इतनी जल्दी इतने खिलाड़ी आउट कर दिए इंडिया ने। नहीं ये सब कुछ आपके सामने है। कैसे देख रहे हैं इंडिया की परफॉर्मेंस? आपको उम्मीद थी कि इस तरीके से इंडिया जीतेगा या आप कुछ क्लोज मैच देख रहे थे? नहीं, हमें ये तो उम्मीद थी कि वो इंडिया ही जीतेगा, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो वन साइडेड मैच जीत जाएंगे, क्योंकि इंडिया की आप बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, हर डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल ही। अच्छा, जिस तरीके पहले रोहित शर्मा आउट हो गए थे एक प्रेशर बिल्ड हो गया था इंडिया के ऊपर और लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा स्कोर बनेगा, यही था कि 250-300 से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे फिर इंडिया ने अपने आप को संभाला, कवर किया, वहाँ के उनके जो बैट्समैन थे उन्होंने वक्त दिया, थोड़ा टाइम लेकर और फिर छक्के लगाए उन्होंने उनकी। हाँ, पहले ओवर में विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा प्रेशर बना है, लेकिन उनके पास एक अच्छी क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, तो उन्होंने आके बहुत अच्छा पहले बॉल को पिच को रीड किया और उसके बाद बड़ा अच्छा स्कोर किया। अच्छा, आपसे मैं जानूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने पहले प्रेशर आ गया था, हमारा अगर ओपनर कोई आउट हो जाए हमारी पूरी की पूरी टीम उसके बाद जाना शुरू कर देती है और कुछ सिक्स नहीं लगाता। मैंने वो देखा कि जो भी उनका बैट्समैन आ रहा था वो पिच के ऊपर खड़ा होकर बाद में छक्के लगा रहा था, क्या वजह है कि वो छक्के लगाते हैं और हम बॉलर टिप टिप करते रहते हैं? असल में उनकी अप्रोच की बात है कि इंडिया जो है उनकी अप्रोच जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ऊपर से रोहित शर्मा जो है वो आके शॉट्स मारने की कोशिश करते हैं, स्कोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी अप्रोच थोड़ी सी नेगेटिव रहती है। इमाम आ जाते हैं या बाबर सही खेलते हैं लेकिन बाबर भी फंस जाते हैं। जब स्कोर भरे हों 350 अगर आपने करना है तो बाबर इसी में रह जाता है कि शॉट मारनी है या अपनी गेम करनी है। क्योंकि तो 30 तक हम जाते हैं, ठीक जाते हैं, उसके बाद हमें फिक्र हो जाता है कि हमने 50 करनी है, 50 करके जब हम खेलना शुरू कर देते हैं तो आउट हो जाते हैं। नहीं, इंडिविजुअल माइलस्टोन भी आते हैं, ये बात भी करी जाती है कि बाबर अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स की तरफ देख रहा था, ये बातें ऐसे ही हैं, लेकिन 50 सेंचुरी के लिए कोई नहीं देखता। लास्ट मैच में फखर जमान ने जैसे लास्ट में 80 मारा हुआ था फिर भी वो शॉट्स मार रहा था, वो पाकिस्तान को ही देख रहा था, इंडिविजुअल माइलस्टोन को तो नहीं देख रहा था, तो ये बात तो गलत है। लेकिन इंडिया, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, कंडीशंस उनके सामने हैं, कंडीशन मतलब वो समझे हुए हैं और उन्होंने अपने मैचेस भी हैं वो प्लान्स किए हुए हैं। कि ऑस्ट्रेलिया का मैच अब उन्होंने चेन्नई में रखा क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ स्पिनर्स जो हैं वो अच्छे होंगे। इंडिया का रोल है वर्ल्ड कप में अपनी मतलब स्केड्यूल बनाने में, सब इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा है इस वर्ल्ड कप में। वो तो देखिए ICC के अंडर है सारी चीज़ें, हम इस ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी टीम को। आप ये देखिए कहीं भी इंडिया का मैच होता है, ये विकेट देखे ना, ये सेम विकेट है ना, इसी विकेट के ऊपर इंडिया ने 357 बनाया है और उसी विकेट के ऊपर 55 पे टीम आउट हो रही श्रीलंका की, तो ये इसका क्रेडिट तो देना चाहिए, उनके बैट्समैन को भी क्रेडिट देना चाहिए, उनके बॉलर्स को भी देना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि जी अपनी मर्जी के पिचेस पे खेल रहे हैं या उनको क्राउड सपोर्ट कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो टीम के साथ ज्यादती है। नहीं, क्रेडिट तो बनता है, ऑफकोर्स अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमिनेंट परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, क्रेडिट जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह नज़र आता है आपको कि आप जो है बायस्ड हैं, यहाँ पे बायसनेस थोड़ी सी नज़र आती है। आप कैसे देख रहे हैं आज के मैच को, जिस तरीके से इंडिया जीता है 302 रन से, एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ी विक्ट्री, आगे आने वाले जो मैचेस हैं, आगे सेमीफाइनल भी आ रहा है, फाइनल में भी उम्मीद है कि वो जिस तरीके से खेल रहे हैं फाइनल भी खेलेंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं? सर पहले इस तरह क्या है कि जो इंडिया है ना वो तकरीबन आल जितने भी मतलब के मरहले में सब में डोमिनेंट है। तकरीबन जो भी मैच गुजरे हैं ना, एक बस वो इंग्लैंड के खिलाफ था जो मैच मतलब उनको सही तरह नहीं अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने बाद में बॉलर ने अच्छी तरह से अप्रोच किया है,
और मेरी एक इंडियन टीम के बारे में परसेप्शन है, जैसे मतलब कि रोहित शर्मा है और विराट कोहली हैं, ये अगर पहले 20 बॉल खेल जाएं तो इसके बाद ये बंदे ना लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की विकेट फर्स्ट में ले के मतलब कि पहली 15 गेंदों के अंदर हमने ले लेते हैं तो फिर ये मतलब कि ना वो उसके बाद टीम थोड़ा, जिस तरह विराट कोहली है वो अगर 20 बॉलें खेल लेता है तो उसके बाद वो अपना एक रिदम बना लेता है और वो एक लंबी गेम मतलब कि लंबी गेम खेल जाता है। और इसके अलावा इंडिया जो है इस वर्ल्ड कप में जैसे मतलब कि एक होम ग्राउंड का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बंदे को बेनिफिट होता है बॉलर वगैरह, और साथ वो पिच के लिहाज से बॉलों को चेंज भी करते हैं जिस तरह का मतलब एक्सपीरियंस होता है उनको। और ऐसे एक मतलब कि स्ट्रेटजी वो पूरे वर्ल्ड कप में चल रही है कि वो देखते हैं कि कौन कौन सा बॉलर, जैसे मतलब कि पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ मैच था तो वो तबरेज़ शमसी के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेके आए क्योंकि उनको पता था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता है, मतलब इसका मतलब कि अच्छा सिनेरियो रहा है। इस तरह मतलब कि कैप्टनसी यानी कि आप समझ रहे हैं कि रोहित शर्मा की बहुत अच्छी है, आप सर कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के पास देखिए कैप्टनसी हम जितनी मर्जी अच्छी कर लें अगर हमारे पास बॉलर ही अच्छे नहीं है, नवाज जैसा बॉलर होगा, उसामा मीर जैसा बॉलर होगा, या वो हमारे क्या नाम है उसका जो ऑलराउंडर है शादाब, हाँ उससे ऐसे बॉलर होंगे जो सही बॉल ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कहाँ फेंकनी बॉल। आप देखें ना जो भी टीमें अच्छा खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, उनके एक मेन रीज़न ये भी है कि उनके मिडल ऑर्डर्स में ना मिडल ओवर्स में उनके जो स्पिनर हैं वो डोमिनेट करें, जैसे कुलदीप यादव हो गया उधर से एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल टॉप विकेट टेकर लिस्ट में आता है, तो हमारे हम इधर ही थोड़ा सा मतलब लैक कर गए हैं क्योंकि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही फ्लॉप हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि शादाब खान है वो बिल्कुल ही एशिया थ्रू आउट एशिया कप से नहीं वो एक रिदम में आ रहे, नवाज से भी नहीं बॉल टर्न हो रही, और शादाब उसामा मीर है उसने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो बाकी बैट्समैन हम आप कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तानी जो बैट्समैन है या इंडियन बैट्समैन है, इंडिया के जो भी आज देखें जितने भी उनके खिलाड़ी आए हैं उन्होंने स्कोर सवाए रोहित शर्मा के क्योंकि वो स्टार्ट में आउट हो गए, बाकी सब ने अच्छी इनिंग्स खेली और शॉटें लगाई हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन जो अगर कंपेयर करें उनके साथ तो पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी प्लेयर है कि जो इस तरह शॉट खेल सके और प्रेशर जो है वो अपने ऊपर लेकर लंबी इनिंग्स खेल सके? देखें इंडिया की अगर टीम की बात करी जाए तो इंडिया जो है पीछे से 2-3 साल से प्लानिंग कर रहा था, देखें अब डिफरेंट सीरीज़ में डिफरेंट प्लेयर्स जा रहे थे, वो प्लेयर्स का एक कम्बिनेशन बना रहे थे, एक उनका 25-30 रनों का पूल था जो उन्होंने सेलेक्ट किया होता और उन्हीं में से उन्होंने अपने 15 निकाले हैं, इस वजह से उनकी टीम जो है ना एक बेहतर बन चुकी है। हमें तो अभी एशिया कप में अपने अब्दुल्ला को खिलाया है तो अब्दुल्ला ने 50 मार दी फाइनल में और आप अब्दुल्ला को वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं, इससे पहले आपने पूरे 2 साल इमाम ही खेलता रहा, इमाम ने कोई मैच मिस नहीं किया, मतलब यहाँ पर लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट भी है, क्या आपने अपने जो टीम थी वो अच्छे से तरीके से सिलेक्ट ही नहीं करी, आपको पता ही नहीं था कि आपका कौन लड़का वर्ल्ड कप खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, इससे पहले अब्दुल्ला जो था वो नहीं था नाम क्या है 15 में नहीं आता था वो, लेकिन आज वो ओपनर खेल रहा है लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, डोमिनेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, सही खेल रहा है और वो एक ऐसा प्लेयर है जो प्रेशर को हैंडल करना जानता है। उसमें फिर बाबर भी है, बाबर की इस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही लेकिन बाबर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो किसी भी मैच में कम बैक कर सकता है, बड़ा प्लेयर है और इंशाल्लाह करेगा भी सही अंदर जो 2 मैच आने वाले हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे और इंडिया का मुकाबला हो, मैं यही चाहता हूं कि इंडिया अगर अगर होता है इंडिया के साथ हमारा मुकाबला सेमीफाइनल में तो कैसे देख रहे हैं फिर पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करेगी? देखिए पाकिस्तान के बारे में यही कहा जाता है कि किसी भी टाइम किसी भी टीम को ये हरा सकते हैं, कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास, ऐसे बॉलर्स भी हैं शाहीन अफरीदी फुल फ्लो में अब आ गए हैं थोड़ा सा, अगर बाबर भी ऊपर से सेंचुरी मार देते हैं और साथ में हारिस लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो पाकिस्तान हरा सकते हैं इंडिया को, कैपेबिलिटी है, हमने एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी जब 257 पे उनको आउट किया था, वो मैच हम जीते हुए थे समझ लो, वो जीत सकते थे हम मैच, तो यही है। आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ खेलता है तो क्या होगा वहाँ? सर मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह मतलब कि ना एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है ना एक डिसएडवांटेज है इस चीज़ का, क्योंकि बाकी टीमों के जितने भी प्लेयर हैं ना वो IPL में उधर इंडिया में खेलते रहे हैं और पाकिस्तान को तकरीबन 12 साल हो गए हैं कि वो उधर इंडिया में नहीं गए, उन्होंने नहीं खेला, तो इस तरह को जिसने भी दूसरे बैट्समैन हैं जितनी भी टीमों के हैं अफगानिस्तान इंग्लैंड मतलब कि श्रीलंका जितनी भी टीमों के हैं उनको पाकिस्तान के बॉलरों से इंडियन पिचों की ज़्यादा नो हाव है, इसलिए मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का ये लो परफॉर्मेंस है एक उसकी वजह ये भी है कि पिच के बारे में मतलब कि तकरीबन इतना बड़ा गैप है, हमने वहाँ पर क्रिकेट नहीं खेली और बाकी पूरी टीमों के सारे मतलब कि जो थे वो खेलते रहे हैं, इस तरह उनको मेरे ख्याल में ये भी एक एडवांटेज रहता है उनको जिस तरह से वो टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं या इंडिया के, तो वो वैसे भी उनका होम ग्राउंड है, तो इस तरह पाकिस्तान को ये भी एक डिसएडवांटेज रहा है मतलब कि
इस लिहाज से भी। अच्छा, ये जैसे इन्होंने बात की, जो वर्ल्ड टूर होते हैं, कोई भी टीम दूसरे मुल्क में जाती है तो कई कई साल बाद टूर होते हैं, तो ये कहना कि जी वो वहाँ की विकटों से नाआशना है, विकटों के ऊपर वो आईपीएल खेलते रहते हैं इस वजह से वो ज़्यादा, ये कोई लॉजिक वैसे है इस चीज़ को? लॉजिक हाँ, ये भी थोड़ा सा एडवांटेज होता है, थोड़ा सा उसके मतलब एक इन्वायरमेंट को एक एक्सेस करना, ये भी थोड़ा सा होता है, लेकिन इस तरह कहना कि बिल्कुल ही मतलब फ़ायदा होता है होम क्राउड का और पिचेस का, अगर आप उस पहले खेले हुए हैं तो फ़ायदा है। पाकिस्तान 2016 के बाद से नहीं, ना कोई सीरीज थी, ना कोई पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल खेलता है, भाई की बात ठीक है, लेकिन इस तरह मतलब बिल्कुल ही इस तरह इस चीज़ को एक वो कर देना कि यार कि वो तो प्लेयर पहले उधर से हाउ नाउ जानते हैं और इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ पर बिल्कुल ही। आप क्या कहेंगे अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया का मैच पड़ता है तो क्या बनेगा? पाकिस्तान जो अब करंट फॉर्म है वो तो इंडिया के अब साफ ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है सेमीफाइनल के एक अलग ही प्रेशर होगा, अलग ही माहौल होगा, लेकिन हाँ पाकिस्तान के पास एक एबिलिटी है, फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट, आप जैसे हमारा फॉर्म चीज़ को रिकॉर्ड को भी मद्देनजर रखें कि आज तक हम वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा सके। हाँ ये भी है, लेकिन ऑन द डे जो अच्छा खेलता है वही जीतता है रिकॉर्ड। अब देखें कल वाला मैच जो साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया, 5 मैच साउथ अफ्रीका नहीं जीता था, तो उनके एक प्लेयर हैं रफीसन दोसन, उनसे उन्होंने पूछा कि आप कैसे देखते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम नहीं जीते, लेकिन उस वक्त हम नहीं थे, तो हमारी टीम ज़रूर थी लेकिन हम नहीं थे। ऑन द डे होता है, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। वर्ल्ड कप का चैंपियन किसे देख रहे हैं आप? मैं ये हर जो अपने होते हैं इंटरव्यू जी, उनसे मैं लाजमी पूछता हूँ कि इस दफ़ा फाइनल कौन जीतेगा? मैं भी ऑस्ट्रेलिया। आप क्या कहेंगे? इंडिया। आप जी? साउथ अफ्रीका के चांस हैं ज़्यादा। अच्छा, एंड में आपसे जानूंगा कि आप तीनों के फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कौन से ओवरऑल फेवरेट प्लेयर? बाबर आजम। आपका जी? विराट कोहली, फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 to 7 years विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर जी। आपका जी? सर फॉर दिस करंट सिचुएशन द क्विंटन डिकॉक इज माय फेवरेट प्लेयर फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप। कौन है? क्विंटन डिकॉक सर। अच्छा, ये हमारे भाई कल इन्होंने इंटरव्यू दिया था, ये आ गए, इन्होंने कल प्रेडिक्शन की थी कि जो इंडिया है वो 99.99% ये मैच जीतेगा, और बिल्कुल उनकी जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, आपने अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने कल प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जीतेगा 99%, बल्कि 99 पॉइंट भी आपने साथ में बोला था जी, बिल्कुल। तो आप कैसे देख रहे हैं कि इतनी जो जिस तरीके से इंडिया जीता है बहुत बड़े टारगेट से, इतना ही आपको उम्मीद थी या आप कह रहे थे कि जीतेगा वैसे कोई इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीतेगा? ये आप देख लें, हमारा प्रीवियस इंटरव्यू आपने लिया था, वो शायद आपने इंटरनेट पे भी अपलोड किया है, तो प्रीवियस देख लें, अगर मेरे के अंदर कोई आ रहा है कि किसी तरीके से कह किसी अपना इत्माद से कहा तो फिर मान लें, वरना इत्माद से बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उम्मीद थी कि इतने बड़े मार्जिन से इंडिया जीतेगा या आपको था कि थोड़ा क्लोज मैच होगा? नहीं नहीं, वन साइड उम्मीद थी, लेकिन 300 का टारगेट होता है, अगर 300 का कोई टीम टारगेट दे दे तो कहते हैं कि यार बड़ा टारगेट देता है इस टीम ने। ये तो 300 से ऊपर मार्जिन से जीते हैं, 300 से प्लस 300 से ये मैच विन कर रही, कमाल कर दिया देखें यार इंडिया वालों ने, और उनको तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इंडियन बॉलर को देंगे, इंडियन बैट्समैन को देंगे? नहीं, ये दोनों का रोल है, सिर्फ एक का रोल नहीं है। देखें पहले ओवर में पहली विकेट गिर जाती है, ठीक है, अच्छी से अच्छी टीम 10 गेंदों की सिर्फ मार होती है, अच्छी से अच्छी टीम 10 गेंदों की सिर्फ मार होती है, ये आप भी समझ सकते हैं। अगर पहले ओवर में पहली विकेट गिर जाती है तो फिर इतना बड़ा 350 टारगेट खड़ा करना ये कोई छोटी सी तो बात नहीं है, ये डेफिनेटली ज्यादा क्रेडिट बेस्ट अपना बैट्समैन को। फिर आगे बॉलर ने भी कमाल किया, कोहली और शुभमन गिल का मेन किरदार देखने के, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप पहले गई है ना? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से विराट कोहली, मैंने रात को कहा था मैन ऑफ द मैच, और आज उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया विराट कोहली ने, ठीक है। अगर इसके बाद हम आते हैं अपना दूसरी प्रेडिक्टरी अपना बॉलिंग के बारे में, बॉलिंग देख लें, 22 स्कोर पे 7 आउट करना कोई छोटी सी बात तो नहीं है। मैं तो हैरान रह गया था, मैं थोड़ा सा वक्फा दिया, मैंने जब देखा दोबारा, मैं दोबारा आंखें ऐसे मली, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या इतनी जल्दी इतने खिलाड़ी आउट कर दिए इंडिया ने? नहीं, ये सब कुछ आपके सामने है, और इसका मैं एक और अपना अप्रिशिएट करूंगा क्राउड को, इन्होंने अपनी टीम को कर। आप अब कैसे देख रहे हैं अगले आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को? सेमीफाइनल में देख रहे हैं, अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान इंडिया का मैच पड़ेगा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, अगर जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अगर इनका प्रीवियस देखा जाए तो अगर सेमीफाइनल में पहुँच जाता है
पाकिस्तान, तो आपको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर इसका सेमीफाइनल पड़ गया इंडिया के साथ, वो भी विन करेगा जो आज तक नहीं हुआ। आप देख लें चैम्पियन ट्रॉफी देख लें, आपको याद होगी उसमें सेमीफाइनल में आई थिंक क्वार्टर फाइनल दो कैसे विन किया था। वैसे बहाने हमारे पास बहुत हैं कि इंडिया के अपने होम ग्राउंड हैं, इंडिया के अपने होम क्राउड है, वहाँ पर जो है वो दिल दिल पाकिस्तान का तराना नहीं बजा था, वहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग नहीं किसी को अंदर लेके जाए। ये बहाने हमें गोश्त नहीं खाने को दिया, ये बहाने हमारे पास बहुत सारे हैं मैच हारने के बाद। ये सर ये तो प्योर बहाने हैं ना सर, तो ये प्योर बहाने हैं, ये कोई बात नहीं है कि गोश्त नहीं मिला या किसी ने ये नहीं कहा किसी ने ये नहीं कहा। यानी इंडिया की जो टीम है वो डिजर्व करती है ना कि उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे उनके पास बॉलर हैं, अच्छे उनके पास फील्डर हैं, हर चीज़ मुकम्मल टीम के तौर पर वो उभरी है। एवरी डिपार्टमेंट इज परफेक्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, चाहे जो भी आप हिसाब लगा लें, हर चीज़ में मुकम्मल है। आपको आज का मैच देख लें, कहाँ पर उन्होंने कोई फील्डिंग मिस की है, कोई अपना बॉलिंग नहीं ठीक करवाई या बैटिंग नहीं करवाई। और वो मज़े की बात है, वो प्रेशर नहीं लेते यार, सबसे जो मज़े की बात है इंडिया की। अच्छा आज मैच देखा आपने, इंडिया ने किस तरीके से जो है श्रीलंका को हराया? आज तो अखीर ही होगी तकरीबन, मोहम्मद शामी ने जैसे बॉलिंग की है ना, सीरियसली उसने हमारा दिल जीत लिया, ऐसी बॉलिंग कभी नहीं देखी हमने। सिर्फ मोहम्मद शमी ने या साथ में सिराज ने? इंडिया की ओवरऑल टीम है ना, वो तकरीबन दुनिया की नंबर वन टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आगे आप जो आने वाले मैचेस में कैसे देख रहे हैं इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस, ऐसे ही रहेगी? मुझे लगता है ये अनबीटेबल है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। जैसे इंग्लैंड का बुरा हाल हुआ है, पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ है, इसी तरह और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है फिलहाल तो नंबर वन जा रही है। साउथ अफ्रीका शायद उसे बीट कर सकती है, लेकिन चांसेस कम ही हैं, कम ही चांसेस हैं जी। आप कैसे देख रहे हैं जी आज के मैच को? जी मैं देख रहा हूँ कि इंडिया बहुत अच्छा खेली है और उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें हासिल की और दूसरा मोहम्मद सिराज ने 2 विकेटें हासिल की हैं। इंडिया बेस्ट है, बहुत अच्छी टीम है।